अपने इत्र और इतिहास के लिए मशहूर कन्नौज शहर को सपा का गढ़ कहा जाता था, परंतु 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नए चेहरे आईपीएस अधिकारी से राजनीति में कदम रखने वाले असीम अरुण को चुनाव मैदान में उतारा। असीम अरुण ने अर्जुन की भूमिका निभाते हुए सपा के अजय किले कन्नौज सदर की सीट पर विजय का परचम लहराकर भाजपा को पिछले 3 चुनाव में मिली हार का सूखा खत्म करते हुए भगवा परचम लहराया। 2017 के चुनाव में भाजपा ने तिरवा और छिबरामऊ सीट पर तो विजय प्राप्त कर ली, परंतु इस मोदी लहर में भी सपा ने सदर सीट बचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। परंतु 2022 के चुनाव में आईपीएस से राजनेता बने असीम अरुण को भाजपा ने मैदान में उतारा और उन्होंने 3 बार के विधायक अनिल दोहरे को शिकस्त देकर सपा के किले को ध्वस्त कर दिया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण का जन्म 3 अक्टूबर 1970 को कन्नौज जिले के ठटिया छाना क्षेत्र के कगार नगर में हुआ था। उनके पिता श्रीराम अरुण भी एक आईपीएस अधिकारी थे। वे मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे। उनकी माता शशि अरुण जानी मानी लेखिका और समाज सेविका हैं। असीम ने अपनी शुरुआती शिक्षा लखनऊ के सेंट फ्रांसिस स्कूल से ग्रहण की, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीएससी की। वे संयुक्त उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एसपी तैनात रहे। उन्होंने टिहरी गढ़वाल के अलावा यूपी के जनपद बलरामपुर हाथरस सिद्धार्थनगर अलीगढ़ गोरखपुर और आगरा में बतौर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप निदेशक पद पर अपनी सेवाएं दी। इसके बाद वह कुछ समय के लिए स्टडी लीव पर विदेश चले गए थे, लेकिन लौट कर आने के बाद उन्होंने एटीएस लखनऊ में कार्यभार संभाला। इसके बाद वह डायल 112 के एडीजी के पद पर तैनात रहे। कानपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद उन्हें वहां का पहला पुलिस आयुक्त बनाया गया। विधानसभा चुनाव 2017 में सदर सीट से हारने के बाद भाजपा ने कन्नौज सुरक्षित सीट पर टकटकी लगाए बैठे पूर्व विधायक बनवारी लाल दोहरे को निराश करते हुए भाजपा ने इस बार हाल ही में आईपीएस से नेता बने असीम अरुण को टिकट दे दिया। कानपुर के प्रतिष्ठित पुलिस आयुक्त पद से वीआरएस लेकर राजनीति की पथरीली राहों पर कदम रखने वाले असीम अरुण बीते 3 कार्यकालों से सपा की इस परंपरागत सीट रही कन्नौज सदर से ताल ठोकी। यहां उनका मुकाबला सपा के विधायक अनिल कुमार दोहरे से था। भाजपा 2017 की प्रचंड मोदी लहर में भी अनिल को खूंटे से नहीं उखाड़ पाई और उसके दिग्गज नेता बनवारी लाल 2454 मतों के मामूली अंतर से परास्त हो गए। 3 बार से लगातार विधायक अनिल कुमार दोहरे और असीम अरुण के बीच होने वाला ये मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोमांचक था। जिले के मतदाताओं ने 20 फरवरी को तीनों सीटों पर अपना फैसला ईवीएम में बंद कर तीनों विधायकों का नाम मोहर बंद कर दिया। जब इसकी आधिकारिक घोषणा 10 मार्च को हुई तो भाजपा प्रत्याशी असीम अरुण ने सपा से 3 बार विधायक रहे अनिल दोहरे को 6000 से ज्यादा वोटों से पराजित कर सपा के इस अभेद किले को भेद कर भाजपा का परचम लहरा दिया।